गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के विषय में चर्चा करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक है, उसमें हमने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के विषय में चर्चा की, किस प्रकार से जल में विषैले तत्व और वायु में विषैले तत्वों के प्रदूषकों के मिल जाने से क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है और जल में विषैले तत्वों के मिल जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। और भारत में लगभग 2/3 बीमारियां किससे संबंधित होती है, जल जनित बीमारियां होती है। और जल प्रदूषण वायु प्रदूषण के लिए सरकारी स्तर पर और मानव को स्वयं को हमको क्या करना चाहिए, इसे बचाने के लिए या जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। आज हम ध्वनि प्रदूषण की चर्चा करते हैं। ध्वनि प्रदूषण यानी हमारे कर्णप्रिय स्तर से ऊपर जो आवाज होती है, यानी हमें जहां तक अच्छी लगती है वो आवाज हमारी ठीक है, लेकिन वो कर्णप्रिय स्तर से जब ऊपर बन जाती है तो वो किसकी संज्ञा देते हैं, उसे शोर की संज्ञा देते हैं, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण की हम बात करेंगे, ध्वनि को मापने की जो इकाई है, ध्वनि की जो तीव्रता को मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है ना, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल। 80 से लेकर 120 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए कर्णप्रिय या हम कहेंगे कि उपयुक्त है, लेकिन जब 120 से अधिक, 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि की अगर तीव्रता आती है तो उसे हम प्रदूषण की श्रेणी के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण की श्रेणी में जब 120 से अधिक, 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता होती है तो वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार से हम बात करते हैं, कर्णप्रिय स्तर से ऊपर या शोर, जिसे हम शोर की संज्ञा देते हैं, अवांछित दशा जो हमें नहीं चाहिए होती, तेज आवाज जिसके हम कहते हैं, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार से ध्वनि प्रदूषण के अगर हम कारणों की चर्चा करें, ध्वनि प्रदूषण के कारण तो परिवहन के साधन से निकलने वाली आवाज, स्पीकर, लाउड स्पीकर जो बजाए जाते हैं उनकी आवाज, उद्योगों में विभिन्न प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि उद्योगों की जो मशीनें चलती हैं उनकी आवाज है, ठीक है, उनकी ध्वनि की बात करते हैं। वायुयान व जेट विमान जो उड़ाए जाते हैं उनकी जो तेज आवाज होती है वो क्या, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण मानी जाती है। ध्वनि प्रदूषण के हम कारणों की चर्चा करते हैं, परिवहन के साधनों की जो ध्वनि होती है, स्पीकर जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उनकी ध्वनि, उद्योगों के जो मशीनों के स्वचालन की जो ध्वनि होती है, वायुयान और जेट विमानों की जो ध्वनि होती है, इस प्रकार से बढ़ता शहरीकरण, औद्योगीकरण, उद्योगों का जो बढ़ता हुआ विस्तार जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, नगरीकरण जब बढ़ रहा है, नगरीकरण हो रहा है, नगर का विस्तार हो रहा है, तो वहां पर वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, उद्योग भी वहां पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं, जिससे भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या होता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण की जो समस्या है एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है। अगर हम ध्वनि प्रदूषण से हानि की चर्चा करेंगे, ध्वनि प्रदूषण से क्या हानि होती है, तो मानव के मानसिक स्तर पर ध्वनि प्रदूषण से काफी हानि होती है। मनुष्य में चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहरापन हो जाता है, कम सुनाई उसे देने लगता है। इसके साथ साथ स्थायी रूप से मानव की सुनने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से मानव क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक स्तर पर मानव के जो दिमागी स्तर पर है बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव में चिड़चिड़ापन, बहरापन जैसी समस्याओं के साथ साथ पागल की तरह व्यवहार करना इत्यादि हम कहेंगे कि गुण विकसित होते हैं। इसके साथ साथ ही उसकी श्रवण शक्ति समाप्त होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक दशाओं पर मानव की प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जो तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उन्हें हम क्या करें, लाउड स्पीकर जो बजाए जाते हैं उनकी जो आवाज है उसे एकदम कम स्तर पर रखें। इसके साथ साथ ही वाहनों की समय समय पर मरम्मत कराते रहें जिससे कि उनसे निकलने वाली कलपुर्जों की आवाज है वो कम होती रहे। उद्योगों में हम जो मशीनें काम रहते हैं नई टेक्नोलॉजी विकसित की जाए जिससे कि क्या किया जा सके, कम आवाज करने वाली मशीनें विकसित की जाए। अलग अलग प्रकार से मानव के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जो ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। अगर ध्वनि प्रदूषण कम नहीं करेंगे तो मानव को ये मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ती जाएगी। आगे हम चर्चा करते हैं भूमि प्रदूषण की, ठीक है। भूमि प्रदूषण की हम बात करते हैं, भूमि प्रदूषण हम मृदा प्रदूषण भी ऐसे कह सकते हैं कि मानव के द्वारा या विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं से मृदा की गुणवत्ता में ह्रास, मृदा के उपजाऊपन में कमी, मृदा की गुणवत्ता में क्या हो रहा है ना, ह्रास हो रहा है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक क्रियाओं और मानवीय क्रियाओं, प्रकृति की जो क्रियाएं होती है और मानव भी इसमें क्या होता है, जिम्मेदार होता है। मानव प्रकृति के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है इससे क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है। क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है।
भूमि प्रदूषण की जो प्रमुख हम कारकों की चर्चा करें, किस कारण से भूमि प्रदूषण हो रहा है, या भूमि प्रदूषण के कारण जो मनुष्य के द्वारा जो कृषि कार्य, जो किसान क्या करता है, कृषि कार्य कर रहा है उसमें क्या कर रहा है, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहा है, रासायनिक खादों के उपयोग से क्या हो रहा है, भूमि की गुणवत्ता में, मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो काम में उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है और उनका जो अपशिष्ट है, उद्योगों का अपशिष्ट क्या किया जाता है, इधर उधर फेंक दिया जाता है, वो भी भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। नगर महानगरों का जो अपशिष्ट है वो भी क्या है, भूमि प्रदूषण के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार है। नगरीय और महानगरीय अपशिष्ट को भूमि पर फेंक दिया जाएगा, उससे वो क्या होगा, वो भूमि के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे ही उदाहरण की बात करें, पंजाब में किसानों के द्वारा रासायनिक खादों का अधिक उपयोग किया गया, जिससे कि वो भूमि है उसकी बंजरपन, या हम कहेंगे कि उसकी उर्वरता में निरंतर क्या होता जा रहा है, हास होता जा रहा है। वहाँ के लोग भूमि प्रदूषण की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि रासायनिक खादों के उपयोग से, लगातार उपयोग से भूमि में उपजाऊपन में कमी आ रही है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार से जो फसल होती है उनका उनकी गुणवत्ता में भी हास हुआ है। इसी प्रकार हम बात करें, चीन में तीव्र औद्योगिकरण हुआ, तीव्र औद्योगिकरण से वहाँ पे अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्टों को जहाँ पर फेंका गया, जलीय स्रोतों में फेंका गया, उसके आसपास की भूमि में क्या हुआ, आसपास की भूमि में भी क्या हुआ, गुणवत्ता में ह्रास हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भूमि प्रदूषण की समस्या हमारे सामने बढ़ती जा रही है। आगे हम बात करते हैं, जब भूमि प्रदूषण हो रहा है तो उससे हमें क्या क्या हानियां होती है। भूमि प्रदूषण से सबसे जो सर्वप्रमुख हम बात करते हैं, कृषि भूमि की न्यूनता, यानी कि भूमि के उपजाऊपन में कमी, और भूमि के उपजाऊपन में कमी आ रही है तो हमारे सामने खाद्यान्न संबंधी संकट आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। भूमि की न्यूनता, उपजाऊपन में कमी बहुत बड़ी एक भूमि समस्या है, जिससे कि मानव की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं पर सीधा सा प्रभाव पड़ने का पड़ने वाला है। आगे हम बात करें कि भूमि प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे कि पैचिस, प्रवाहिका, हैजा, आंखों के रोग, तपेदिक इत्यादि बीमारियां फैलती जा रही है। अगर भूमि प्रदूषण का नहीं रोका गया तो क्या होगा, इस प्रकार की बीमारियां बढ़ती जाएगी और मानव जगत के लिए, प्राणी जगत के लिए, वनस्पति जात के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, हम भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं, कि रासायनिक खादों की जगह हम क्या करें, जैविक खादों का उपयोग करें, रासायनिक खादों की जगह हम क्या करें, जैविक खाद का उपयोग करें, जो औद्योगिक महानगर, औद्योगिक नगर और महानगरों के जो अवशिष्ट है उनके निस्तारण की, या उन्हें उनके पुनर्चक्रण की व्यवस्था की जाए, पुनर्चक्रण की व्यवस्था की जाए, और जो अवशिष्ट है उन्हें यथाकथाई हम कहेंगे कि उसे नष्ट करने के लिए प्रयास किए जाए, और भूमि पर या जलीय स्रोतों में से नहीं फेंका जाए, जिससे कि भूमि खराब नहीं हो। ऐसे हमें प्रयास करने होंगे तब भूमि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, और भूमि प्रदूषण पर नियंत्रण होगा तभी भूमि की उर्वरता को हम लंबे समय तक बनाए रखेंगे, और भूमि की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहेगी तो हमें खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति लंबे समय तक होती रहेगी। इस प्रकार हमें क्या करना है, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण से संबंधित, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें प्रयास करने हैं। पर्यावरण समस्या जो हमने सर्वप्रथम पढ़ी, प्रदूषण, इसके लिए सरकारी स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार के द्वारा तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मानव के लिए, या मानव हम स्वयं क्या करेंगे, जब जागरूक होंगे और इन प्रयासों के लिए हम भी प्रयासरत रहेंगे, या कहीं ना कहीं हम भी भागीदार बनेंगे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, तभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से स्थायी रूप से निजात पाया जा सकता है। हमारी स्वयं की भूमिका पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।